वेलकम टू स्टडी आई क्यू आम अमित वरीद इंटरनेशनल कोलेबरेशन की जो सबसे स्ट्रांग और सबसे पावरफुल बॉडी है वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स इट इज वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जिसका काम है कि पूरे के पूरे विश्व में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रखे अगर यूनाइटेड नेशंस में किसी नई कंट्री का एडमिशन चाहिए तो उसकी जो परमिशन होते हैं या अप्रूवल होता है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देती है अगर यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में कोई चेंजेस करने हैं कोई नए प्रावधान ऐड करने हैं सो दैट अप्रूवल इज यूजुअली डन बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसके साथ साथ कहीं पर पीस कीपिंग ऑपरेशन इंटरनेशनल सैक्शन किसी कंट्री के ऊपर लगाने हैं और किसी कंट्री के ऊपर अगर मिलिट्री एक्शन ऑथोराइज करना है तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के दिस इज द क्लोजेस्ट दैट वी कम टू अ वर्ल्ड गवर्नमेंट ठीक है लेकिन ये

के जो मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन काउंसिल के अंदर टोटल पंद्रह मेंबर होते हैं नाउ दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन जिसमें से हम जानते हैं कि पांच मेंबर ना परमानेंट है एक हमारा चाइना हो गया दूसरा हमारा फ्रांस हो गया तीसरा रशिया चौथा यूनाइटेड किंगडम एंड द द फिफ्थ वन इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसके अलावा जो बाकी दस मेंबर है वो रोटेटिंगली दो साल के लिए इलेक्ट होते हैं यानी कि कोई भी मेंबर होगा दो साल के लिए इलेक्ट होगा और उसके बाद फिर वो हट जाएगा देन दे नेक्स्ट मेंबर द रिमेनिंग टेन मेंबर्स आर इलेक्टेड ऑन अ रीजनल बेसिस टू सर्व अ टर्म ऑफ टू ईयर्स एक जनवरी दो को भारत भी उन्हीं एक देशों में से एक है यानी कि हमें भी दो साल के लिए इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में और हम इकतीस दिसंबर दो तक यूएनएससी के मेंबर रहेंगे इसके साथ साथ जो यूएनएससी की मीटिंग्स होती है उसको कोई ना कोई एक देश प्रिसाइड करता है और वो जो प्रिसाइडिंग देश होता है वो मंथली चेंज होता है यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें जुलाई 2021 में यूएनएससी का जो प्रिजाइडिंग देश था वो फ्रांस था एंड नाउ इन दंडिया हेज टेकन द प्रेजिडेंसी ऑफ दूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगस्त में जिसमें हमारे पास हमारा जो एजेंडा है भारत का एजेंडा मेरी टाइम सिक्योरिटी होगी पीस कीपिंग होगी और काउंटर टेररिज्म होगी तो यूनाइटेड नेशंस की आप जो न्यूज इग्नोर करते रहते हैं रेगुलरली इस मंथ जरूर डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा इंटरेस्टिंग क्योंकि इस मंथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से जो भी अनाउंसमेंट रेजोलूशन आएंगे दोज वुड बी लेड बाई इंडिया

ऐसा मतलब कहने का मतलब यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी थी वो तो हमें पहले भी कई बार सात आठ बार मिली हुई है राइट क्योंकि अगर हम मेंबर बन जाते हैं यूएनएससी के तो बेसिकली वो प्रेसिडेंसी मंथली रोटेटिंग बेसिस पे है तो इंडिया को मिलती ही मिलती है पर हमारी जो पोलिटिकल डिस्पेंसेशन है या कोई पोलिटिकल लीडर्स थे वो उनको uh, क्या नाम है एड्रेस नहीं करते थे दिस इज द फर्स्ट टाइम वेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी प्रिजाइडिंग ओवर अ मीटिंग ड्यूरिंग न्यू डेली प्रेजिडेंसी ऑफ द यूएनएससी अब पिछहत्तर साल में ऐसा पहली बार हुआ है दिस डिपिक्स कि इंडिया पॉलिटिकल लीडरशिप इज बेसिकली रेडी टू टेक द इंटरनेशनल स्टेज हेड ऑन इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को हेड ऑन कर लेना चाहते हैं हमें प्रेसिडेंसी मिली है संडे को यानी कि एक अगस्त को एक महीने के लिए हमारे पास है इस समय रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है अगले महीने किसी और को दे देंगे पिछले महीने फ्रांस की थी जिसमें हमारे लिए मेन हमारा फोकस रहेगा पीस कीपिंग और दि काउंटर टेररिज्म के जो कुछ इश्यू आने वाले हैं दिस इज अवर एथ स्टेट ये हमारी आठवीं प्रेजिडेंसी है क्योंकि जब भी हम उसके दो साल के लिए इलेक्टेड मेंबर्स बनते हैं तो प्रेजिडेंसी आती आती है इन सेवेंट बट ऐसा पहली बार हुआ है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट पॉलिटिकल लीडरशिप विल बी प्रिजाइडिंग यूजुअली जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं वही प्रिजाइड करते हैं जो यूनाइटेड नेशंस के हमारे आ, जो एम्बेसडर्स भेजे जाते हैं दो पीपल वो जो कि उस बात को प्रिजाइड करता है दो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नॉट गोइंग टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये बेसिकली क्योंकि पैंडमिक की वजह से ये वर्चुअल प्रेजिडेंटिप होगी वर्चुअली उनको एड्रेस किया जाएगा बट स्टिल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन यूनाइटेड नेशंस के साथ वैसे भी उसके जो रिफॉर्म्स है उनका जो एजेंडा है वो काफी दिनों से बढ़ता जा रहा है पिछले एक दो डेकेड में इस बात को पता चल गया है कि भाई जर्मनी यूरोप की एक इंपॉर्टेंट इकॉनमी है जो कि फ्रांस से भी बड़ी है तो फिर जर्मनी को यूएनएससी में परमानेंट सीट क्यों नहीं है सिमिलरली इंडिया विच हैज एन इक्वल पॉपुलेशन To China. Indeed, India represents 1 by 6th of the humanity. Then why does India does not have a permanent seat or United Nations Security Council? So this initiative of Indian लीडरशिप इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप टू प्रिजाइड ओवर द यूनाइटेड नेशंस प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी शोज दैट वी आर वेरी सीरियस अबाउट द रिफॉर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हमारी प्रेसिडेंसी में हम कुछ कुछ स्पेसिफिकली करेंगे क्या कि बेसिकली ये सारे, मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारी की सारी जो न्यूज है आपको अगले एक एक मंथ में मिलने वाली है हम स्पेसिफिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी पीस कीपिंग और काउंटर टेररिज्म से स्पेसिफिक रिलेटेड मीटिंग्स पहले से ही इस समय शेड्यूल के अंदर है जिसमें हम स्पेसिफिकली जो पीस कीपर्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो भेजे जाते हैं कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में उनके आ, उनके इवेंट उनकी मेमोरी में एक इवेंट करवाया जाएगा एंड वी विल आल्सो डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स रिलेटेड टू सीरिया इराक सोमालियाम एंड द मिडल ईस्ट इंडिया का समय आ चुका है वर्ल्ड स्टेज पर कि हम इस समय जो बेसिकली वर्ल्ड अफेयर्स हो रहे हैं उनमें अपना ओपिनियन और उनमें अपना जो स्पेस है वर्ल्ड स्टेज पे जो हमारा स्पेस है उसको अच्छी तरह से ग्रहण करें विच कैन ओनली हैपन जब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप मच मोर प्रो हो एंड मोर इंपॉर्टेंटली सेम क्वेश्चन को देखते हुए कि यूनाइटेड नेशंस के जो रिफॉर्म्स है उनको अब इस समय समय आ चुका है कि उनको बढ़ावा दिया जाए एंड और अदर द सिस्टम द ब्रेटनवुड सिस्टम जो कि 1945 में बना गया था धीरे धीरे हमें डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर या जो ये परमानेंट फाइव हैं पी फाइव जो हैं इनके ऊपर इस बात का प्रेशर बनाना चाहिए कि इंडिया ऑल्सो डिजर्व इक्वल परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स इफ़ यू नीड द पी ऑफ दिस क्लास दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू नीड टू यू माइट वॉन्ट टू जॉइन और एल्स यू कैन ऑल्सो हिट मी ऑन दिस ट्विटर हैंडल ऑफ माइंड आई सी द नेक्स्ट क्लास